Hello everyone. Hello. Good morning everyone. Good evening. Good afternoon. जैसे भी आप हैं. I hope I'm live and let me see if I am. Okay. That's super. And आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं that is discharge of the contract. ठीक है. So I'm waiting to see if I am live or not. I hope yes I am. See yes. If I am live or not. Yes I am. Okay, amazing. I hope yes I am. See if I am live or not. Yes. ठीक है दोस्तों. Everybody. ठीक है. तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यस, अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किया था जो आपने हेडिंग देखी होगी या फिर आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा दैट थंबनेल वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ, वो थंबनेल था दोस्तों परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट वॉज फॉर यू नो डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. दोनों चीज़ें थी दोस्तों उसके अंदर में. एंड हम लोग जो है परफॉर्मेंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, काफ़ी लाइव क्लासेस हमने उसके अंदर में कवर की है. सो टुडे आज हम लोग जो है डिस्चार्ज को यहाँ पे कवर करेंगे. एंड जब ये क्लास के अंदर में डिस्चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली जल्दी ख़त्म हो जाएगा, टॉपिक बड़ा नहीं है, तो उसके बाद में हम लोग जो है परफॉर्मेंस का एक रिविज़न कर लेंगे. ठीक है. तो अगर जिसने परफॉर्मेंस पढ़ा है उसमें भी हमने बहुत बार रिविज़न करवाया है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में, तो दे कैन स्किप आफ्टर दिस डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. आई वॉन्ट, आपका टाइम जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो मे आई नो कौन कौन आ गया है? एज आई गुड सी देर आर सम पीपल. मे आई नो कौन कौन आ गया है? सो प्लीज टेल मी. हाई टू एवरी वन. देर इज समवन. ओके, सो आई शुड बिगिन द लेक्चर. ठीक है, इफ देर इज समथिंग. ओके, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन रहता है, एनी क्वेश्चन यू हैव टू आस्क, देन यू कैन डायरेक्टली कमेंट इन द चैट बॉक्स, बिकॉज लोग कम है तो मैं उसको देख सकता हूँ आराम से एंड कैन हैव द चैट. ओके, सो व्हाट इज डिस्चार्ज? सबसे पहले व्हाट इट इज़. ओके, क्या है ये? ठीक है, व्हाट इट इज़ ये हम समझ लेते हैं. बहुत ही सिंपल मीनिंग है दोस्तों इसका. ए और बी, ठीक है, जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना तो कहीं ना कहीं कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई थी. ठीक है, सो जब भी ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है ना बेटा, तो ऑब्लिगेशन को ही क्या कहा जाता है? चार्ज. फॉर एग्जांपल, आपने बैंक से लोन लिया तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर में, आपके ऊपर में क्या आ गया दोस्तों? एक चार्ज आ गया. ओके, सो चार्ज मतलब यू आर समथिंग, यू हैव टू पे समथिंग, यू हैव टू डू, राइट? इट इज सिंपली कॉल्ड चार्ज. ओके, सो जब ये ऑब्लिगेशन खत्म हो जाता है, किसी भी रीजन से खत्म हो सकता है, हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल हो गया हो, ठीक है, हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट ही इम्पॉसिबल हो गया हो, ठीक है, या फिर आपने खुद होकर यू नो म्यूचुअली एग्री किया कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करना है, तो ऐसे केस के अंदर में ये जो चार्ज है ना ये खत्म हो जाता है, राइट? ये ऑब्लिगेशन जो है खत्म हो जाती है. तो प्राइमरीली हम लोग कहेंगे कि ऑब्लिगेशन यानी ही क्या होता है दोस्तों? चार्ज हो जाता है. एंड जब ये चार्ज खत्म हो जाता है, जब ये ऑब्लिगेशन खत्म हो जाता है, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो जाता है. अब उसके अंदर में कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है. सो व्हेन आई से नो ऑब्लिगेशन, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज. दैट्स इट. चार्ज था, अभी चार्ज नहीं है, राइट? देयर वॉज चार्ज एंड नाउ देयर इज नो चार्ज. ठीक है, जैसे वो आपने सुना होगा ना, आता है मास्क से नो मास्क. ठीक है, तो मास्क रहते हैं फिर नो मास्क हो जाते हैं, उसी तरह से चार्ज से नो चार्ज. अब कैसे कैसे होगा, ये बहुत सारे तरीके हैं इसके. ठीक है, एक से एक तरीके यहाँ पे दिए गए हैं और इसका मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा. वो चार्ट फुल फ्लैश चार्ट है. ठीक है, पूरा फुल फ्लैश चार्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा. तो पहला पार्ट दोस्तों इसके अंदर में आता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. ठीक है, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन था, आपने ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, दैट्स सो स्वीट यार. ऑब्लिगेशन था उसको पूरा कर दिया, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस. ओके, आपको मैंने बोला था कि 500 रुपीज मैं दूंगा, आप एप्पल का एक बैग ला कर दूँ, आप एप्पल का एक बैग लेकर आए. बैग मतलब बोरा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एप्पल का मोबाइल. हाँ, तो आपने एप्पल का जो है मोबाइल ला कर दिया, बैग ला कर दिया, आपका काम हो गया, आप चार्ज से क्या हो गए? डिस्चार्ज हो गए. हॉस्पिटल में होता है ना, जो है COVID-19 का पेशेंट है, ठीक हो गया, राइट? मैं तो उम्मीद करता हूँ हर एक इंसान ठीक हो जाए, हर एक इंसान जो है डिस्चार्ज हो जाए, राइट एवरीवन? सो वो ऑब्लिगेशन खत्म हो जाता है आपकी तरफ से, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है. ओके, वैसे हॉस्पिटल में डिस्चार्ज कब मिलता है? जब आप पैसे पे कर देते हो, राइट? धंधा है उन लोगों का. तो जब वो पैसे पे हो जाता है तो पेशेंट भी क्या हो जाता है? डिस्चार्ज. अब वो बीमार नहीं है, राइट? उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में दोस्तों आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आता है. वंस यू डिड दैट ऑब्लिगेशन कम्प्लीटली, यू आर डिस्चार्ज.
सेकेंड म्यूचुअल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था आप लोगों ने सोच समझ के, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो सोच समझ के, राइट, डिस्चार्ज हो जाएगा, देखेंगे इसको, ठीक है। इनपॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कई बार होता है ना कि ए जो है बी से शादी कर रहा है, राइट, और शादी करने से पहले बी पागल हो जाता है, राइट, अब शादी करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आएगी, अब शादी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, ओके, इम्पॉसिबल हो गया मतलब पॉसिबल है लेकिन यू नो कंसेंट नहीं रहेगा ना ये बी का, क्योंकि वो कंसेंट कैसे देगा, तो पागल है ना, पागल कंसेंट थोड़ी ना दे सकता है, पागल की कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाती है, ठीक है। फिर नंबर फोर क्या है दोस्तों, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। हर एक कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस करने के लिए, परफॉर्मेंस हम बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर कर चुके हैं, यानी कि काम करना अपना, ठीक है, दो तरह के परफॉर्मेंसेस होते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है, तो उसका एक टाइम होता है, ठीक है, और वो आपको टाइम पर करना ज़रूरी है, ओके, सपोज मैंने आपसे टमाटर का कारोबार करना है, तो टमाटर बहुत ही जल्दी सड़ गल जाते हैं, तो मैक्स टू मैक्स कितना, एक दिन दो दिन के अंदर में मुझे बेचना पड़ेगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि मैंने तो पिछले साल तेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया था, आज तू फुलफिल कर, तो ये कोई पॉइंट हुआ क्या, ये कोई पॉइंट नहीं है, क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक टाइम था, एक रीजनेबल टाइम था, वो रीजनेबल टाइम ख़त्म हो गया है, ठीक है। नंबर फाइव दोस्तों, उसके अंदर मेरा क्या रहेगा, डिस्चार्ज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। कभी कभी लीगल ऐसी चीज़ें आ जाती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, फॉर एग्जांपल चीज़ों को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लीगल से इलीगल कर दिया। एक एग्जांपल लूँ, ठीक है, बहुत अच्छा है सर, दो दोस्तों ने क्या किया ना, पता है आपको, दो दोस्तों ने मिलकर सोचा कि वो टिकटॉक पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है, टिकटॉक पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन जब ये बनाया, उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया था, तब वो क्या था, कम्प्लीटली लीगल था, लेकिन बाद में टिकटॉक क्या हो गया, बैन हो गया, तो ये टिकटॉक के रिस्पेक्ट में जो इनका एक प्रकार से जो भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उसमें क्या आ गई, पाबंदी आ गई, किसकी वजह से आई, बिकॉज ऑफ सम लॉ, बिकॉज ऑफ लॉ हैज़ ऑपरेटेड इन अ मैनर दैट देयर एक्टिविटी इज इररिलेवेंट नाउ, राइट, तो ये इसकी वजह से दोनों क्या आ गए, अपनी ऑब्लिगेशन से क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए, अब उनको साथ में मिलके वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर टिकटॉक नहीं तो किसी दूसरे ऐप के लिए बनाएंगे, मित्रों के लिए बनाएंगे, या फिर और भी बहुत सारे हैं ना, तो उसके लिए चिंगारी वगैरह के लिए बनाएंगे, तो ऐसे केस के अंदर में उनको फिर से बात करनी पड़ेगी, ठीक है, जब वो फिर से बात करेंगे तब वो अंडर चार्ज आएंगे, अदरवाइज वो अंडर चार्ज नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में नंबर सिक्स देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से भी क्या हो सकता है दोस्तों, डिस्चार्ज हो सकता है। ब्रीच मतलब तोड़ना, जब आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो ना दोस्तों, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, राइट। सो सपोज मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 500 रुपीज़ देता हूँ, ठीक है, और आप मेरे को एप्पल दे दो, राइट, 500 रुपीज़ देता हूँ, आप मेरे को एप्पल दे दो, मैंने 500 रुपीज़ नहीं दिए, ये क्या हो गया, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपने मुझे एप्पल नहीं दिए, ये भी क्या हो गया दोस्तों, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है दोस्तों, यू हैव अ राइट टू गो टू कोर्ट, ठीक है, आप कोर्ट में जा सकते हैं एंड कोर्ट में आप वहां पर न्याय मांग सकते हैं। जज साहब मेरे साथ क्या हुआ है, अन्याय हुआ है, क्या अन्याय हुआ है, वॉट एवर ए बी सी डी अन्याय हुआ है, मैंने इसको 500 रुपीज़ दिए थे, इसने मेरे को एप्पल नहीं दिए, या फिर मैंने इसको एप्पल दिए, इसने मेरे को 500 रुपीज़ नहीं दिए। नाउ यू कैन गो टू द कोर्ट, लेकिन दोस्तों जैसे ही आप कोर्ट में गए, यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया दोस्तों, डिस्चार्ज हो गया, राइट, समझ में आया कि नहीं। अब पूरा फैसला किसके ऊपर में है, कोर्ट के ऊपर में है, किस तरह का ऑर्डर देता है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। ऑर्डर को हम लोग जो है क्या कहते हैं दोस्तों, डिक्री, क्या कहते हैं दोस्तों, डिक्री, डिक्री इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ओके, सो ये बात आपको ध्यान रखने का है। एंड बाकी तरीके कौन से हैं, नोवेशन, रिमीशन, वेवर, मर्जर, तो नोवेशन, रिमीशन, वेवर मैंने पढ़ाया है, लेकिन स्टिल आज वापस से हम उसको कवर करेंगे, और एक वेवर, और सॉरी एक मर्जर, उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। सो एक बड़ा चार्ट देता हूँ, ये चार्ट आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगा, मैं इसे अपने फेस टू फेस क्लासेस के स्टूडेंट्स को देखता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल चार्ट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इफ देर आर सम एक्सटर्नल वॉइसेस, मेरे को पता नहीं चलता है लाइव के समय एक्सटर्नल वॉइसेस आ रही है क्या, अगर आ रही है तो लेट मी नो अबाउट इट, कि अगर आपको बाहर की कोई आवाज़ आ रही है क्या, अगर नहीं आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर आ रही है तो मैं यहाँ पे डोर है उसको बंद कर देता हूँ, तो शायद वो आवाज़ ना आए, ओके। सो टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी बंद हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, राइट, उसके ऊपर जो ऑब्लिगेशन है, चार्ज है, वो क्या हो रहा है दोस्तों, खत्म हो रहा है, इट इज़ गेटिंग वैनिश्ड, ओके। सो दोनों एक ही चीज़ है, और इसको करने के कितने तरीके, देखें
तीन तरीके हैं, ठीक है। पहला है काम कर लो, राइट, जो भी बोला गया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, जो भी आपने तय किया था वो कर लो। आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर में। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, भाई कभी ना कभी कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है तो उससे बाहर तो निकलोगे ना, जिंदगी भर फंसे रहोगे क्या उसके अंदर में, राइट? ऐसा तो है नहीं जिंदगी भर फंसे रहोगे उसके अंदर में। सो यू एंटर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करते हो कैसे दोस्तों, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। आप एक दूसरे से क्या करते हो, एग्रीमेंट करते हो, ठीक है। एग्रीमेंट कितना आसान है, एग्रीमेंट, राइट, जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, एग्री करते हैं ऑन सेम थिंग, इट इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट, ओके। सो व्हेन यू डू दैट वर्क, इट इज परफॉर्म, इट इज खत्म हो गया भाई पूरा का पूरा, इट इज खत्म, राइट, ओके। मैंने सोचो आप मेरे पास में आए, राइट, फॉर एग्जाम्पल पिंकेश सर के पास में आए एंड ही इज टेकिंग सम क्लास विच इज नॉट रिलेटेड विद लाइक अन अकेडमी वाला स्टफ नहीं है, क्योंकि अन अकेडमी में तो 12 months का सब्सक्रिप्शन रहता है, राइट। हाँ, अगर आपको जो है सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो मेरा कोड ही यूज़ करना, बता देता हूँ मैं पहले से, ठीक है। PINKESH आपको जो है यूज़ करना है, 10% ऑफ मिलेगा आप लोगों को, एंड उसके साथ में चार्ट दूंगा और एक शॉर्ट नोट्स दूंगा आपको मेरी तरफ से, नॉट फ्रॉम द अनअकैडमी, मेरी तरफ से मिलेगा, ठीक है। सो एंड 24 months का ही बेस्ट रहेगा, 788 rupees आता है, फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट दोनों मिल जाता है उसके अंदर में, एंड इंटरमीडिएट की क्लासेस थोड़े दिनों में शुरू होने वाली है, तो आपके सीनियर्स रहेंगे तो उनको आप बता सकते हो, ओके। एंड एनी वेज यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई पिंकेश ठकरानी क्लासेस वाला यूट्यूब चैनल है, या फिर मनी मग वाला चैनल है, मनी मग जो स्टॉक मार्केट के लिए रहता है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। सो दोस्तों बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ना, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। परफॉर्मेंस बाय बोथ द पार्टीज, काम कर लिया कंप्लीट तो डिस्चार्ज हो गया। सेकेंड है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉन परफॉर्मेंस। इसी पर ज़्यादा फोकस हमको करना है, बिकॉज इसके बाद में जो हम पढ़ने वाले ना चैप्टर जो कल पढ़ेंगे 4 बजे वापस से, वो रहेगा ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में। तो कल देखते हैं, आज ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, टेंडर, टेंडर टू परफॉर्म बाय एनी वन पार्टी, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आपको या तो परफॉर्म करना रहता है या फिर परफॉर्म करने के लिए तैयार रहना पड़ता है, राइट। सपोज एन अकेडमी सेड मी कि सर आपकी क्लास 4 बजे है, ठीक है, मैं रेडी हो गया पूरा का पूरा, पर अन अकेडमी की किसी रीज़न की वजह से उनका मेरा क्लास हो नहीं पाया और 1 घंटा जो है बैठे रहा अपने घर पे, तो क्या वो 1 घंटे का पैसा उनको देना पड़ेगा? यस, लीगली उनको देना पड़ेगा, राइट। आप अगर तैयार हो, आप काम किए हो, तो उसके तो पैसे आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप तैयार हो, सामने वाला आपको काम करने नहीं दे रहा है, तो ऐसी चीज़ को जो है क्या कहा जाता है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है। घर पे पेंटर आया, आप उसको पेंट का सामान नहीं दे रहे, वो जिस कुर्सी पर खड़ा है उसको जो आप हिला रहे हैं, बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं, तो वो 1 दिन का पूरा पैसा लेगा क्या? यस, वो 1 दिन का पूरा पैसा लेगा। आपके घर में प्लम्बर आया, आप उसको बता ही नहीं रहे कि कहाँ पे ठीक करना है, कहाँ से पानी लीक हो रहा है, तो क्या वो पूरा पैसा लेगा? यस, ठीक है, वो पूरा पैसा लेगा। सर उसने तो कोई काम नहीं किया, अगर उसने कोई काम नहीं किया, ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड, इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। और उसने अगर कोई काम नहीं किया तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर वो तैयार था काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब नॉन परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस भी नहीं है और जब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो उसको सिंपली हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, नॉन परफॉर्मेंस। यानी कि कुछ काम नहीं किए या फिर काम के लिए रेडी ना हुए भी आप लोग जब क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। ये एरिया ऑलरेडी हमने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये दिखा दूं कि आप लोगों को इसके पहले हमने पढ़ा है, लेट्स सी, यस 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 यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत पहले, एकदम शुरुआत में है, ठीक है, एकदम शुरुआत में। ये आरओई वाला एग्जाम्पल याद होगा आप लोगों को, ठीक है, मस्त वाला एग्जाम्पल था, ठीक है। एक बार रिपीट करवाऊंगा जब रिविजन होगी ना तब। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो जो प्रॉमिसर है, देखो ऑब्लिगेशन ना हमेशा याद रखना, ऑब्लिगेशन हमेशा किसके ऊपर में रहता है दोस्तों, ऑब्लिगेशन इज ऑलवेज ऑन प्रॉमिसर, ठीक है। हमेशा ऑब्लिगेशन किसके ऊपर रहेगा, प्रॉमिसर के ऊपर में रहेगा, ध्यान रखना, ओके। सो प्रॉमिसर को या तो काम करना है या फिर काम करने के लिए रेडी रहना है, ठीक है। इन दोनों में से अगर उसने एक भी चीज़ कर ली ना, तो उसको पूरा पैसा मिलेगा, everything he is going to get, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है उसका पैसा वैसा नहीं कटेगा, because he was ready for the performance, ठीक है। अब हम अपने इस पर आते हैं, ठीक है। So welcome to the chart, कौन सा वाला, बड़ा वाला chart, ठीक है। Chart वार्ट बनाने में मैं कुछ ज़्यादा ही ध्यान देता हूँ, because
थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर में द चार्ट इज द ओनली थिंग दैट विल प्रिवेंट यू टू हैव ना, ओवर ज़्यादा टाइम लग जाता है आप लोगों को सीखने में, समझने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो है कितनी सारी बातें हैं, इसमें ये वाला जो है नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक है, ये कल परसों शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपके मॉड्यूल के अंदर में कवर्ड है, ठीक है, तो ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये भी आज पढ़ने वाले हैं, ये भी आज पढ़ने वाले हैं और ये भी आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हमारा क्या रहेगा दोस्तों, नोवेशन, रिसेशन, अल्ट्रेशन, रिमिशन, वेवर, मर्जर, ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़े एंड देन उसके बाद में इन सभी चीज़ों पर आए, दिस दिस एंड दिस, ये वाला क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में है तो हम बाद में पढ़ेंगे उसको, अभी इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली ये ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और उससे रिलेटेड रेमेडीज वो अपन पढ़ेंगे, रेमेडीज मतलब उपाय, उपाय क्या होते हैं वो सभी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो एवरीबॉडी अवेक, जस्ट गिव मी अ मैसेज कि इफ यू आर अवेक और नॉट, इफ यू आर अलाइव और नॉट, ठीक है, जिंदा हो कि नहीं मुझे मैसेज करके बताओ, एवरीवन कम ऑन, ठीक है। शायद नए बच्चे आज इस क्लास के अंदर में, तो मे बी इतना ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं है, सो आई एम रेडी फॉर लाइक इंटरेक्शन, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप लोग जो है चुप रहो, राइट, ठीक है, राइट। नाउ आगे बढ़ते दोस्तों, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला दोस्तों क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, इसको हम लोग बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर कर चुके हैं, तो एक ही एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा, ठीक है। ये एग्जांपल लिखा हुआ है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल इज कार, ठीक है, कार सेल करने की बात की गई है एट द एग्रीड प्राइस, एज सून एज द कार इज डिलीवर्ड टू बी, द बी पेज द एग्रीड प्राइस फॉर इट, द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड बाय द परफॉर्मेंस, ठीक है, जो प्राइस एग्री किया गया था उस प्राइस पर कार डिलीवर कर दी गई, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स जस्ट सिंपल थिंग, ठीक है। पेंटर जो है, सपोज पेंटर ने पेंटिंग का काम कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, इसको क्या बोलूंगा दोस्तों, एक्चुअल परफॉर्मेंस बोलूंगा, आई विल कॉल इट एज एक्चुअल परफॉर्मेंस। सो हु इज देयर इन द क्लास, ऐसे खुशबू, खुशबू सैनी, रोमन सैनी के कुछ लगते तो नहीं ना खुशबू आप, ठीक है। चंचल सूर्यवंशी इज देयर, ओके दैट्स ग्रेट, कूल, राइट। सो इफ यू एंजॉइंग द क्लास से कूल, ओके राइट। सेकेंड, पेंटर आया लेकिन पेंटर को आपने उसका काम पूरा करने नहीं दिया, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ओके एवरीवन। तो पेंटर ने क्या किया, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, दोनों केसेस के अंदर में पेंटर इज डिस्चार्ज, ठीक है, पेंटर अपने काम से क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्चार्ज हो जाएगा, ही वुड नॉट हैव फर्दर ऑब्लिगेशन, ओके अमेजिंग। सो ये था अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जो कि बहुत ही सिंपल पार्ट है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी हमने परफॉर्मेंस के अंदर पढ़ा है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज यस, क्या बोलेंगे दोस्तों उसको, म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करते हो, तो इसमें हमको कौन कौन से प्रिंसिपल्स पढ़ना पड़ेगा, नोवेशन, रिसेशन, अल्ट्रेशन, रिमिशन और एक कौन सा है दोस्तों, मर्जर। अब इनको इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि नोमेशन इन्होंने पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस, क्योंकि इसके पहले हो चुका है, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा, ठीक है, यहाँ ऊपर मैं एग्जांपल दे देकर एक एक चीज़ मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले दोस्तों हम लोग कवर करेंगे दैट इज नोवेशन, ठीक है, इसकी थ्योरी भी मैं थोड़ी देर में आपके सामने लेकर आऊँगा, पर पहले यू शुड अंडरस्टैंड इट, उसके बाद में क्या थ्योरेटिकल रहता है, आप एक बार समझ गए ना दोस्तों तो इट इज़ डन, आधा आपका काम थ्योरी के अंदर में, हमेशा कभी भी रटना नहीं बेटा, रटोगे तो बहुत रटने के लिए है भाई, फिर आप फाउंडेशन में इतना बड़ा सिलेबस है, फिर उसके बाद जब इंटरमीडिएट में जाओगे वहाँ रटोगे, फिर उसके बाद रटोगे, दिमाग खराब, रटना है ना तो पहले 50% काम तब कंप्लीट होता है जब आपको पूरा समझ में आ जाता है, उसके बाद 50% जो चीज़ें रहती है ना वो याद रखने वाली चीज़ें होती है, वो आसान हो जाती है वंस यू डन द 50% समझने का काम पूरा का पूरा। अकाउंट्स में तो 100% पूरा समझना ही रहता है, उसमें तो रटना कुछ रहता ही नहीं है, ठीक है। अब नोवेशन, नोवेशन में क्या होता है देखो, एक ही देखिए, ए ने किसको पैसे देने हैं, बी को पैसे देने हैं, ठीक है, उसके बाद में बी ने किसको पैसे देने हैं, सी को देने हैं, और अमाउंट सेम है, यहाँ पे भी 5000 का अमाउंट है और यहाँ पर भी 5000 का अमाउंट है। अब ये तीनों जो है मिलके बात करते हैं, राइट, इसी होटल होटल में जाते हैं, बात करते हैं और बोलते भाई ए ने बी को पैसे देने हैं, बी ने सी को पैसे देने हैं, तो एक काम करो ना भाई, ए डायरेक्टली पैसे किसको दे दे, सी को दे दे, राइट। ये देखिए ये ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स थे और ये ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को किसके साथ में सब्स्टिट्यूट किया गया, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ में सब्स्टिट्यूट किया गया। अब ए सी को कितना पैसा देगा, 5000 रुपीज़ देगा, इसको बोलते हैं नोवेशन। नोवेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट सामने आता है, ठीक है, और देखो नई पार्टी से इसके अंदर में ए एंड सी इज अ न्यू पार्टी, ओके एवरीवन। सो अंडर द नोवेशन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स कम्स टू एन
सरफेस पे जो है नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ठीक है। नोवेशन के बाद में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, नोवेशन के बाद में हम लोग पढ़ेंगे रिसेशन, ठीक है। वी आर गोइंग टू कवर द रिसेशन, ठीक है। रिसेशन मतलब क्या होता है, रिसेशन का मतलब होता है, ये नोट करना है, मैं जो बता रहा हूँ ये पूरी जगह पर आपको काम आने वाला है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में काम आने वाला है, ठीक है। इसको कैंसिल करना, इसको एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेपुडिएट करना। हालांकि रेपुडिएट इतना सही टर्म नहीं है, लेकिन स्टिल कई कई बार पूछा जाता है इसको, रेपुडिएट करना या फिर इसको कैंसिल करना, रिसाइड करना, रेपुडिएट करना या फिर अवॉइड करना, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टर्म्स है ना, ये ज़्यादा मत यूज़ करना आप लोग, ठीक है। कौन सा टर्म ज़्यादा यूज़ करना, रिसेशन के साथ में कैंसिलेशन, राइट। अब ए और बी ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, अब ए और बी चाहते हैं कि मिलकर इसको जो है बंद कर दें, कोई बात नहीं, म्यूचुअल एग्रीमेंट से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, सिंपल, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो रिसेशन कंप्लीट, अब कौन सा है दोस्तों, अल्टरेशन, ठीक है। अल्टरेशन में क्या आएगा दोस्तों, ध्यान दो, अल्टरेशन में ए और बी ने सोचा था कि ये लोग जो है गुड्स को बाय और सेल करेंगे, ठीक है, जो भी है, और इसके लिए जो है 50,000 रुपीज़ जो है इन्होंने तय किया टोटल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस रहेगा, और साथ में ये तय किया कि 15 दिन के अंदर में पेमेंट रहेगा। हाउ मेनी डेज, 15 डेज के अंदर में पेमेंट रहेगा, ओके एवरीवन। अब कुछ समय के बाद में इनको लगता है कि नहीं यार, 15 डेज की जगह कितना कर दो, 30 डेज कर दो, और जो 50,000 का अमाउंट है उसको 45,000 कर दो, ठीक है। अब ऐसा इन्होंने चेंज इन द टर्म्स किया, ठीक है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द टर्म्स दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरेशन, वी कॉल इट एज अल्टरेशन। सो यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट बना क्या, द आंसर वुड बी नो, देयर इज नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसमें, जो पुरानी जो टर्म्स है वो चेंज हुई है, देयर इज नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज जस्ट अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ नोवेशन में क्या हो रहा था, नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, नई टर्म्स आ रही है, तो अल्टरेशन, न्यू टर्म्स आर कमिंग, ठीक है। नोवेशन के अंदर में, गुड इवनिंग पल्लवी, यस, नोवेशन के अंदर में आप देखेंगे दोस्तों तो देयर इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट कमिंग, ओके। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया क्या, नोवेशन और अल्टरेशन। अल्टरेशन में क्या आता है, नए टर्म्स आते हैं, ठीक है। नोवेशन में क्या आता है, नया कॉन्ट्रैक्ट आता है, ओके एवरीवन। इससे क्या होता है, पुराने वाले टर्म्स डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसमें क्या आता है दोस्तों, इसके अंदर में पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्चार्ज हो जाते हैं। सो सिंपल, नोवेशन अल्टरेशन दिमाग में पूरा भर दो, राइट। उसके बाद रिमीशन, ठीक है। रिमीशन का मतलब क्या होता है, रिमीशन का मतलब क्या होता है, रिमीशन का मतलब होता है वेवर, ठीक है, माफ करना। क्या होता है दोस्तों, माफ करना। रिमीशन और वेवर दोनों एक ही चीज होती है। देखो जब आप स्पेशल क्लास में आए थे ना, तो ये पेन बहुत अच्छी लिखवाती है, ठीक है। जब यहाँ यूट्यूब पे आते हैं ना, तो पेन का पूरा क्वालिटी खराब हो जाता है, ठीक है। रिमीशन एंड वेवर आर वन एंड द सेम थिंग, ओके। सो व्हेन आई से भाई मेरे को आपसे पैसे लेने हैं 5,000 रुपीज, और मैंने बाद में बोला कि नहीं कोई जरूरत नहीं देने की, राइट, तो एक्चुअली मैंने आपके अमाउंट को क्या कर दिया, रिमिट कर दिया, मैंने आपकी ऑब्लिगेशन को क्या कर दिया, वेव कर दिया। अब 3-4 साल के बाद में जो है मैं आपको बोलता हूँ पैसे दो, मैंने माफ किए थे, याद है तुमको, तो आपके बोलोगे अरे माफ कर दिए तुमने, तो खत्म हो गई ऑब्लिगेशन मेरी। माफ करना इंडिया में अलाउड है दोस्तों, ठीक है। इससे ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो जाता है। यू आर अंडर चार्ज टू पे मी 5,000 रुपीज, आई वेव दैट अमाउंट, ठीक है। इफ आई वेव दैट अमाउंट, दैट मीन्स इट इज डन, ओके। अभी आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली कोई ना कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाना पड़ेगा, कोई डीड साइन करवानी पड़ेगी, ताकि आप ये प्रूफ कर सको कि यस मैंने क्या किया था, पैसों को वेव किया था, ओके। सो इससे भी ऑब्लिगेशन क्या होता है दोस्तों, डिस्चार्ज होता है। तो ये सभी चीज़ें डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, इसमें बात करनी पड़ेगी, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, ओके। यहाँ पे भी कोई झगड़ा नहीं है, कोई ब्रीच नहीं हो रहा है, कोई तोड़ना नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को अंदर, इसके अंदर में बात करो, बात करके बोलो कि भाई देखो ए ने बी को पैसे देने, बी को सी को पैसे देने थे, ए ने सी को पैसे दे दिए, खत्म। रिसेशन, कॉन्ट्रैक्ट बनाया था भाई अच्छी तरीके से, भाई इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। भाई बहन जो भी रहेगा, आप जेंडर आप खुद डिसाइड कर लो, ठीक है, और उसके ऊपर भी कोई जेंडर होगा तो वो भी डिसाइड कर लो, ठीक है। अब देखो अल्टरेशन का मतलब क्या हो गया, अल्टरेशन का मतलब ये हो गया कि जब आप टर्म्स को चेंज कर देते हो, यू आर चेंजिंग द टर्म्स, ओके। सो व्हेन यू आर चेंजिंग द टर्म्स, इट इज डन, आपने जो है पुराने टर्म्स को डिस्चार्ज कर दिया, नए वाले टर्म्स अभी ऑपरेशन में आ गए, ठीक है। रिमिशन वेवर का मतलब क्या होता है, जब आपने अपने राइट को छोड़ दिया, आपने पीवीआर की टिकट खरीदी, आपको क्या देखना है, बाजीराव मस्तानी देखना है, ठीक है, नजर जो तेरी लागी दीवानी हो गई, राइट, आप मूवी में नहीं गए, इट्स योर चॉइस, राइट। सो एक्चुअली यू वेव्ड योर राइट नाउ, अब नेक्स्ट डे जो है आप 7 तारीख की आपने 7 बजे की टिकट खरीदी थी, राइट, आप नेक्स्ट दिन जाते हो सेम टिकट लेकर और बोलते हो कल मैंने टिकट खरीदी, कल मैंने नहीं देखा, आज मैं देखना चाहता हूँ,
भाई नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि आपने 7 तारीख की 7 बजे वाली टिकट में नहीं गए, तो आपने अपने राइट को क्या कर दिया दोस्तों, यू वेव्ड योर राइट। अब आपको बाजीराव मस्तानी का नजर जो तेरी लागी देखने को नहीं मिलेगा। सो ये समझ में आ गया आप लोगों को? आई गेस इसमें बहुत बड़ी बात तो है नहीं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन यू नो आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ओके, सो डिस्चार्ज बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट बहुत ही सिंपल है, नोवेशन, रिसेशन, अल्टरेशन, रिमिशन, ठीक है। एक मर्जर मैं बता देता हूँ थोड़ी देर के बाद में आएगा, टेंशन नोट, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, देखे क्या एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल के बाद में चिल्लर ही दिखेंगे आप लोगों को। बोले मास्टर बन गए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ठीक है। स्लोली स्लोली चलने का, आराम से सीए पास होता है, लेकिन रोज पढ़ने का, रेगुलर आपको पढ़ना है, हमेशा ध्यान रखना। आप फेल हो ही नहीं सकते, जो बच्चों की फेल होने की कैरेक्टरिस्टिक्स है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं बताऊंगा कभी स्पेशल सेशन लेकर। इफ यू वांट दैट स्पेशल सेशन, नीचे लिखना चैट में कि यस यू वांट दैट स्पेशल सेशन। तो 5 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है दोस्तों फेल होने वालों की, उसमें से एक बताता हूँ, वो रेगुलर पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। दे डोंट डू रेगुलर पढ़ाई, वाई आई डोंट नो, क्यों नहीं करते पता नहीं, ठीक है। सीए बनना है, आपने पैसा दिया है ना, सीए एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको जिंदगी भर आपके साथ में रहेगी, आप कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे, कभी भी आप लोग जो है पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी सीए बनोगे, तो मैं सही बता रहा हूँ। देखो अन अकेडमी में मैं घर आया था कोविड-19, जॉब छोड़ के मैं यहाँ पे वापस आया था, एंड टेल यू मेरे को सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी मिली ना बेटा, वो बिकॉज ऑफ बीइंग सीए मेरे को यहाँ पे मिली। अगर मैं सीए नहीं रहता था तो मैं ये पढ़ाता नहीं था अभी, ठीक है। नाउ ए ओस बी, ए ने पैसे देने कितने दोस्तों, ओस, ओस अगर समझ रहा है ना आप लोगों को, ओस में जो है जो सामने वाला पहला वाला बंदा होता है ना उसके ऊपर में डेट रहता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। ओस यानी कि देना है, ए ने बी को कितना देना है, 1 लाख रुपए देना है। ए एंटर्स इन एग्रीमेंट विद बी एंड मॉर्गेज हिज ए स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर्टी फॉर 50,000 इन द प्लेस ऑफ द डेट ऑफ 1 लाख रुपए, दिस इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। देखो मुझे तुमको पैसा देना है, अब एक काम करो, मैं तुम्हारा जो है ईस्टेट ले लेता हूँ, या फिर तुम मुझे अपना ईस्टेट क्या कर दो, मॉर्गेज कर दो, मैं तुम्हारा 1 लाख रुपए भूल जाऊँगा। पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो 1 लाख रुपए का है वो खत्म हो गया, और नया ईस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी गिरवी रखने का कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया। तो क्या बोलोगे इसको, नोवेशन। नोवेशन में हमेशा क्या होता है दोस्तों, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ सब्सिट्यूट होता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ में सब्सिट्यूट होता है। सो व्हेन देयर इज अ सब्सिट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड एज नोवेशन। डन सर, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे दोस्तों, नोवेशन। हाँ, ये अगर पूरे के पूरे आपको चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए दोस्तों, तो आप लोग क्या करेंगे, ICAI का मॉड्यूल आप लोग जो है डाउनलोड करेंगे, सेम वैसा का वैसा लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं किया, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। सो ICAI.org पे जाना, वहाँ पर आपको BOS नॉलेज पोर्टल मिलेगा स्टूडेंट्स के अंदर में, एंड वहाँ पर आप CA फाउंडेशन करना, CA फाउंडेशन में बिजनेस जो लॉ है उसके अंदर में आप ये डाउनलोड कर सकते हो, पूरा का पूरा सेम है, सेम एग्जाम्पल्स, एग्जैक्टली वर्डिंग सब कुछ सेम है, ठीक है, सिमिलर भी नहीं बोल रहा हूँ, सेम बोल रहा हूँ, ठीक है। Now A owes 5 lakh rupees, A pays 3 lakh rupees, who accepts in the full satisfaction of the debt, ठीक है। सिंपल बात है भैया, 5 लाख रुपए बाकी है, मैंने 3 लाख रुपए ले लिए, ठीक है, और खत्म कर दिया सब कुछ, फुल सेटिस्फेक्शन। फुल सेटिस्फेक्शन मतलब क्या होगा दोस्तों, रिमीशन वेवर हो गया इसके अंदर में, तो यहाँ पर भी जो है होल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, पूरा का पूरा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया, बिकॉज रिमीशन वेवर है। बाद में 2 लाख रुपए ले सकता है क्या, नहीं ले सकता है, बिकॉज तुमने क्या कर दिया, छोड़ दिया सब। नाउ द नेक्स्ट वन, ठीक है, अब देखो हम कहाँ पर है, ध्यान रखो अच्छी तरीके से, ठीक है, यहाँ पर राइट। पहली चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई, कौन सी दोस्तों, परफॉर्मेंस। सेकंड चीज़ हमने कंप्लीट की, कौन सी दोस्तों, म्यूचुअल यस एग्रीमेंट। अब कौन सी पढ़ेंगे दोस्तों, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, ठीक है, बहुत सिंपल है, पढ़ लेते हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस क्या है। थर्ड चीज़, पहली वो चीज़ क्या रहती है दोस्तों, पहले पॉसिबल रहती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है दोस्तों, इम्पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इट इज़ कॉल्ड एज सुपरवेनिंग, मतलब जो बाद में आई, पहले थोड़ी ना आई। पहले हमको लगा कि हम लोग जो है, सपोज हमने एक कार्यक्रम किया था, ठीक है, हमने तय किया कि 10th of April को हम लोग जो है एक पार्टी रखेंगे, लेकिन आपको पता है इस समय लॉकडाउन का पीरियड था, सो किसी को भी अलाउड नहीं था यहाँ पे पार्टी वार्टी करना। ओके एवरीवन, यहाँ पे किसी को भी पार्टी वार्टी करना अलाउड नहीं था, ठीक है। तो ये पहले क्या था, पॉसिबल था, बाद में क्या होगा दोस्तों, इम्पॉसिबल, रादर ये तो और भी आगे इलीगल ही हो गया यहाँ पर। सो इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, शुरू से ही इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इन दैट केस इट वुड बी इम्पॉसिबिलिटी अब इनिशियो। अब जो शुरू से इम्पॉसिबिलिटी है ना,
तो वो तो वॉइड रहेगा, ठीक है, वो तो वॉइड रहेगा। मैं यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जब बाद में इम्पॉसिबिलिटी आती है, यानी कि सुपर वेन बाद में आएगी, उसको क्या बोलते हैं, सुपर वेन किया या फिर सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मे टेक प्लेस ओइंग टू, ठीक है, बाद में जो इम्पॉसिबिलिटी आती है, नंबर वन हो सकता है लॉ में चेंज हो गया, तो लॉ में चेंज हुआ था, लॉकडाउन आया था। नंबर टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मतलब जिस लॉन में तुम वो 10 तारीख को पार्टी करने वाले हो, लॉन ही पूरा का पूरा भूकंप में स्वाहा हो गया, आग लग गई लॉन के अंदर में, खत्म हो गया। तो पहले पॉसिबल था उस लॉन में पार्टी करना, बाद में क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। थर्ड चीज क्या हो सकता है, नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस। नॉन एग्जिस्टेंस मतलब नहीं होना, राइट, नॉन अकरेंस मतलब नहीं होना। ये नॉन एग्जिस्टेंस मतलब यू नो नहीं होना, मतलब सपोज आई एम नॉट बॉर्न येट, तो आई एम नॉन एग्जिस्टेंट, राइट। नॉन अकरेंस का मतलब क्या होता है, वो इवेंट नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा था कि अगर अगर सपोज हमारे शहर के अंदर में कोई नेता आता था तो मैं स्वागत के लिए पार्टी देता था, राइट, वो नेता नहीं आया, तो दैट मीन्स नेता नहीं आया, नॉन अकर्ड, ठीक है, दैट पर्टिकुलर थिंग नॉट नॉट अकर्ड, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द थिंग विच वॉज नेचुरली कंटेम्पलेटेड। कंटेम्पलेट मतलब बात करना एक दूसरे से, ठीक है। कंटेम्पलेटेड का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि आप जब कंटेम्पलेट करते हो, जब आप बोलते हो कि हाँ मेरे से हुआ था, कन्फेस करने टाइप का कुछ होता है ना, तो उसको हम लोग कंटेम्पलेट बोलते हैं। लेकिन हम लॉ के अंदर में जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, तो कंटेम्पलेटेड का मतलब होगा बात करना, समझना एक दूसरे को, या फिर जो भी जो है लोग यू नो अज्यूम करते होंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, वो सब फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग कंटेम्पलेट किए थे कि भैया जो नेता आएगा तब हम पार्टी देंगे एंड ऑल दैट। अब वो पर्टिकुलर नेता नहीं आया है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, वो हम पार्टी नहीं दे पाएंगे, राइट। या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ द पर्सनल इनकैपेसिटी, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारा सर्जरी करूंगा, आई एम अ डॉक्टर, सपोज आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, आई एम अ सर्जन, आई विल डू द सर्जरी, लेकिन उसके पहले जो है मुझे पैरालिसिस हो गया, विल आई बी एबल टू डू द सर्जरी, नो आई विल नॉट बी एबल टू डू द सर्जरी, बिकॉज प्रीवियसली आई वॉज पर्सनली कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, बट आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग इट नाउ। तो ऐसे केस के अंदर में क्या हो गया, पहले पॉसिबल था सर, बाद में इम्पॉसिबल हो गया। कम ऑन, तीन चीज़ें वापस से, पहले लॉफुल था, अभी क्या हो गया, इलीगल हो गया। पहले जो है वो सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, जिस पे कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है पूरी तरह से, उसको सब्जेक्ट मैटर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी मॉल में हम लोग कंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है, ओके, तो ये मॉल और कंसर्ट दोनों चीज़ें क्या हो गई, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गई, समझ में आया कि नहीं। सो जब सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा, डिस्ट्रक्ट हो गया पूरी तरह से, तो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया उसके साथ में। फिर किसी चीज़ पर निर्भरता, वो उसके होने नहीं होने पर निर्भरता, किसी इवेंट के होने नहीं होने पर निर्भरता, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, ओके। तो डॉक्टर, डॉक्टर के यू नो हाथों पर, डॉक्टर के यू नो स्किल्स पर निर्भरता, अभी डॉक्टर के हाथ नहीं रहे, उसको पैरालिसिस हो गया, तो सर्जरी कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो जो पॉसिबल चीज़ थी वो क्या हो गई दोस्तों, इम्पॉसिबल हो गई, ओके। उसके बाद में डी वाला क्या रहेगा, डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर, ठीक है। अब डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर थी, तो मान लो इसके केस के अंदर में क्या हुआ, मान लो अभी तो कोई वॉर चल रहा है क्या इंडिया का, नहीं चल रहा है, ठीक है, इंडिया का वॉर नहीं चल रहा है, सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी क्या है, स्टैंड ऑफ है, लोग वो चाइना इंडिया वाले जो है बॉर्डर के इस साइड खड़े हैं, और स्टार्ट हो सकता है। अगर इंडिया चाइना का वॉर होगा तो बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। सपोज किसी इंडियन इंडिविजुअल ने चाइनीज के किसी इंडिविजुअल, किसी कंपनी ने, या फिर चाइना के इंडिया के कंपनी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ये दोनों जो है ना एक दूसरे के एलियन एनिमीज बन जाएंगे। इंडिया के बाहर कोई भी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलियन, ठीक है। वो एलियन फ्रेंड हो सकता है या फिर एलियन एनिमी हो सकता है, ओके। तो अगर इन दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हो गया, तो ये दूसरे एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, एलियन एनिमीज बन जाएंगे। और जब कोई भी एलियन एनिमी बन जाता है ना, तो उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। यस, एलियन एनिमी चंचल, ओके, एलियन एनिमी है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, ओके, ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो देयर आर फोर थिंग्स, और इसको ना मैं 5 स्टार दे रहा हूँ। जब भी मैं 5 स्टार देता हूँ तो मतलब ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। आप देखोगे पूरे जहां पर भी स्टडी मटेरियल रहता है, मैं 5 स्टार देता हूं, मतलब वो तो करना ही है। अगर एग्जाम का दिन है, एग्जाम के दिन सुबह को कुछ पढ़ना है, बहुत ही सीरियसली पढ़ना है, तो 5 स्टार वाली ये चीजें पढ़नी है। सो हाउ मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है, 4 थिंग्स आर देयर, किसके अंदर में, सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के अंदर में, या फिर इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कहाँ कहाँ डिस्चार्ज होता है कॉन्ट्रैक्ट। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में था, बाद में वो क्या हो गया, नॉन एग्जिस्टेंट हो गया या फिर इम्पॉसिबल हो गया। नंबर वन, चेंज इन द लॉ,
और ये चेंज इन द लॉ कैसा है, अनफॉरसीन है, जो हमने पहले कभी सोचा नहीं था, कभी उसके बारे में दिमाग नहीं लगाया था हम लोगों ने, ठीक है, ऐसा दिख भी नहीं रहा था, अनफॉरसीन, राइट। नंबर टू, जिस सब्जेक्ट मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। कल मैंने योयो हनी सिंह का एग्जाम्पल दिया था, अगर लाइव क्लास में आप लोग बैठे होंगे तो आपको पता होगा, ओके। देन उसके बाद में थर्ड, नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द थिंग्स, ठीक है, हो सकता है कि किस चीज़ पर निर्भर कर रहा था ये कॉन्ट्रैक्ट, वो हुआ ही नहीं, या फिर वो बंदा जो है ऊपर चले गया, या फिर हम उसके रिस्पेक्ट में वहाँ जा रहे थे, पता चला कि वो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम सोचे थे कि हम लोग जो है एक माउंटेन पे जाएंगे, माउंटेन के वहाँ पे रिवर दिखेगी, तो वहाँ रिवर के रिस्पेक्ट में हम लोग कुछ नहा वहाँ ले लेंगे, इस तरह का एग्रीमेंट कर लिया। बाद में माउंटेन के पीछे गए तो रिवर ही नहीं दिखी, रिवर का पूरा पानी जो है सूखा हुआ था, तो नॉन एग्जिस्टेंस हो गया, राइट, इस तरह से। या फिर डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है, डॉक्टर को जो है सर्जरी करना था, लेकिन सर्जरी करने से पहले खुद डॉक्टर को क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया, होता है ना ऐसा। तो इस केस के अंदर में क्या हो गया दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर, ये वाला एग्जाम्पल बताया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें देखो, ये चारों की चारों चीज़ें मैंने आपको बोला भी है कि ये वाला सेक्शन आपको जो है दिमाग में रखना है। कौन सा वाला सेक्शन, सेक्शन नंबर 56। मैं सभी सेक्शंस आपको बताऊंगा कौन से आपको याद रखने हैं, अप टू सेक्शन नंबर 30, जितने भी सेक्शंस हैं पूरे याद रखने हैं, एंड टू ए सबके अंदर में क्या है, 30 के 30। उसके बाद में सीधा कौन सा याद रखने हैं आपको, 56, ठीक है। और उसके बाद में कौन से याद रखने हैं दोस्तों, आफ्टर 68 से लेकर 75, ये पूरे आपको याद रखने हैं, ठीक है, ओके एवरीवन। बीच के बाकी सेक्शंस आप भूल भी गए तो भी चलता है, ठीक है, लेकिन अप टू 30, फिर सेक्शन नंबर 56, फिर 68 से लेकर 75, ये पूरे आपको याद रखने हैं। इसमें एक एक चीज़ क्या है, लॉ पढ़ रहे हो, सेक्शन याद होना चाहिए, बता देता हूँ, राइट। लिखोगे ना, आपका आंसर डिस्टिंक्शन करेगा पूरी तरह से, वो दूसरे बंदे ने सेक्शन नहीं लिखा है, आंसर बराबर है, आपने लिखा है सेक्शन 56, उसके साथ में आंसर बराबर है, मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, इंप्रेशन आपका ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज यू विड बी रिकार्डेड एज ए स्टूडेंट ऑफ यू नो समथिंग, यू नो वैल्यू वाला स्टूडेंट माना जाएगा आप लोगों को उसके अंदर में। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द लॉ का पेपर, ब्यूटीफुल कब बनता है, 60 में से 60 नंबर कब आता है, तब आता है जब आपने सेक्शंस को प्रॉपरली कोड किया। एक बात ध्यान रखना, अगर सेक्शन नहीं याद आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार सिर्फ 56 था कि 57 था, सेक्शन मत लिखना, ठीक है। जब यू आर 100% श्योर ना, 500%, 1000% श्योर ना कि यही सेक्शन है, ये सेक्शन के अंदर में ऐसा ही लिखा हुआ है, तो आप कोड करना सेक्शन, नहीं तो सेक्शन मत कोट करना प्लीज। हाँ, बाकी मैं आपको बहुत सारे सेक्शंस याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 75 सेक्शंस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में। आई एम जस्ट सेइंग कितने सेक्शंस याद करने के लिए बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग लाइक 38-39 सेक्शंस बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको AIR लाना है भाई, आपको जो है इतने तो सेक्शंस याद करने को बनते हैं, फाउंडेशन खत्म हो जाए भूल जाना सेक्शन, कोई जरूरत थोड़ी ना जिंदगी भर याद रखने की सेक्शन नंबर्स को, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, मैजिक से जो है ट्रेजर ये लोग खोजेंगे, है ना, ट्रेजर मतलब खजाना खोजेंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। सो ये शुरू से ही क्या है, इम्पॉसिबल है, बात की सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आई नहीं, ये जो पूरा टॉपिक है ना, बात की इम्पॉसिबिलिटी का है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो बात का नहीं है ये, इनिशियली इम्पॉसिबल है, ठीक है, शुरू से ही एक चीज़ क्या है, वॉइड है, बाद में वॉइड का कोई है ही नहीं इसके अंदर में, रोल कॉल ही नहीं है, बात के वॉइड का है ही नहीं। नंबर टू, ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी, ए कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर, दोनों एक दूसरे शादी करेंगे, लेकिन उसके पहले ए पागल हो जाता है, बाद में क्या हुआ दोस्तों, ये इम्पॉसिबल हुआ, ठीक है। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द थिंग्स, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ये भी आप इसके अंदर में बोल सकते हो। नंबर थ्री, नंबर थ्री देखिए क्या लिखा हुआ है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्ट इन द थिएटर फॉर 6 months, 6 महीने के लिए थिएटर में काम करेगा, एडवांस में काम करेगा, लेकिन उसके पहले ये बेचारा क्या हो गया, इल हो गया, बीमार हो गया, तो इसको भी क्या बोलेंगे, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। एवरी केस सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के अंदर में हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, देयर वाज कॉन्ट्रैक्ट इन एग्जिस्टेंस, पहले कॉन्ट्रैक्ट था, वैलिड था, लेकिन बाद में दोस्तों वो क्या हो गया, वॉइड हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते दोस्तों, डिस्चार्ज बाय द लैप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लैप्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, छूट जाना या फिर जो है पास हो जाना, ठीक है, पास हो जाना, टाइम पास, डिस्चार्ज बाय टाइम पास बोल सकते हो आप लोग। एग्जाम में आपको लैप्स ऑफ द टाइम लिखना है, टाइम पास मत लिखना, याद रखने के लिए जो है लिख सकते हो, दैट्स इट, ओके। सो हर कॉन्ट्रैक्ट का एक वैलिडिटी पीरियड रहता है, ओके।
आप किसी टमाटर वाले से सुबह 11 बजे बात करोगे और फिर शाम को 5 बजे जाओगे, तब तक रेट चेंज हो जाएगा, राइट? तो हर कॉन्ट्रैक्ट का एक वैलिडिटी पीरियड रहता है, उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर में आपको काम करना पड़ेगा। इफ़ दैट वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर्स, ठीक है, अगर वो वैलिडिटी पीरियड क्या हो जाता है दोस्तों, एक्सपायर हो जाता है, तो ऐसे केस के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। वैलिड से क्या हो जाता है दोस्तों, वॉइड हो जाता है। किस टाइम के अंदर में? रीजनेबल टाइम के अंदर में। एंड वॉट इज रीजनेबल टाइम? हमेशा जब भी आप लिखोगे ना कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम, एक सेंटेंस और जोड़ देगा, वॉट इज रीजनेबल टाइम डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केसेस। ब्यूटीफुल आंसर हो जाएगा एकदम, ठीक है। देखो ब्यूटीफुल आंसर आपको लिखने हैं, ब्यूटीफुल आंसर रहेगा, सामने वाले को तकलीफ नहीं जानी चाहिए ना, तकलीफ नहीं जानी चाहिए आपका पेपर चेक करते समय। अगर उसको तकलीफ कम से कम दोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देगा, ठीक है। सो व्हाट इज रीजनेबल टाइम डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस। हर केस में जो है अलग अलग रहेगा, रीजनेबल टाइम डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, ओके। ये इस तरह से आपको लिखना है। अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम एज प्रिस्क्राइब बाय लिमिटेशन लॉ। लिमिटेशन एक्ट 1963 बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से भी पैसा लेना है, डेट वापस लेनी है उससे, तो कितने साल के अंदर में जो है आपको कोर्ट में केस करना पड़ेगा? 3 साल के अंदर में करना पड़ेगा। आपके घर में चोरी हुई है, 500 रुपये से कम का अमाउंट है, तो आपको 6 महीने के अंदर में आपको FIR दर्ज करवाना पड़ता है। अगर आपने डिले किया तो उसके बाद आप FIR दर्ज नहीं करवा सकते। 3 साल से ज़्यादा डिले किया तो आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते पैसा वापस लेने के लिए, राइट? तो आपको ये टाइम पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कोर्ट में केस करना है डेट वापस लेने के लिए, तो वहाँ रीजनेबल टाइम कितने साल हो गया? 3 साल हो गया। अगर आपको किसी थेफ्ट के लिए क्या करना है दोस्तों, FIR दर्ज करवाना है, 500 रुपये का कम का अमाउंट है, तो 6 महीने का रीजनेबल टाइम हो गया। तो हर केस में अलग अलग है, हर सर्कमस्टेंस में अलग अलग है, हर फैक्चुअल डेटा के ऊपर में अलग अलग आएगा, ठीक है। देखो उसका मतलब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इफ़ इट इज़ नॉट परफॉर्म्ड, ठीक है, इफ़ नो एक्शन इज टेकन बाय द प्रोमिसी विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ही इज डिप्राइव्ड ऑफ द रेमेडी। रेमेडी का मतलब क्या होता है? उपाय, यानी कि केस करते हो ना, तो वो एक उपाय है कि आपके खिलाफ कुछ गलत हुआ है, कोई इनजस्टिस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, सो यू कैन गो टू द कोर्ट, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेमेडी एट लॉ। तो रेमेडी एट लॉ को एक्सरसाइज करने के लिए दोस्तों एक टाइम दिया गया है, उस टाइम के बियॉन्ड आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो वो इनवैलिड हो जाएगा। एग्जाम्पल, इफ क्रेडिटर क्रेडिटर डज नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द बायर फॉर द रिकवरी ऑफ द प्राइस, पैसा चाहिए, उसको सूट फाइल करना है लेकिन वो सूट फाइल नहीं कर रहा है, विद इन कितने साल दोस्तों? 3 साल, द डेट बिकम्स टाइम बार्ड। वो डेट क्या हो जाती है? टाइम बार्ड। बार्ड मतलब मना हो जाती है, बैन हो जाता है एक प्रकार से, टाइम बार्ड, एंड हैंस इररिकवरेबल, पैसा आप वापस नहीं ले पाओगे, राइट? हाँ, वो इंसान आपको पैसा देने को तैयार है बाद में, तो चलो ले लो पैसा उससे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो पैसा देने को तैयार नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ फिफ्थ वाला, ठीक है, अभी बस 2 और बचे, ओके। फिफ्थ वाला, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। लॉ में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से, ऐसी घटना हो गई जिसमें लॉ बना हुआ है ऑलरेडी और उसने आपके कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है डेथ ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। प्रोमिसर कोई बंदा ले लेते, कोई भी ले लेते, सपोज एक्स ले लेते, ठीक है। एक्स ने किसको पैसा देना है? वाई को। कितने रुपए देने हैं? 5,000 रुपीज़ देने हैं। और जो एक्स की प्रॉपर्टी है ना, वो कितने की है? 3,000 रुपीज़ की उसकी प्रॉपर्टी है। नाउ हमारा एक्स क्या हो गया दोस्तों? यस, मर गया, बादलों में फना हो गया, राइट? हमारी क्लास में मर जाना मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा सेंटेंस है, इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, बादलों में फना हो गया, ठीक है। तो हमारा एक्स जो है ना, वही बादलों में फना हो गया, मर गया वो पूरा का पूरा बेचारा, ओहो, राइट। अब ये 5,000 रुपीज वाई को चाहिए, तो किसके पास जाएगा वो? एक्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगा, लेकिन एक्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास में कितना रुपया है? 3,000 रुपये। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन एक्स एंड वाई, वो क्या हो गया दोस्तों? डिस्चार्ज हो गया। अब एक्स को पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे एक्स एक्स तो मर गया, यस, किसी के भी मरने के साथ में उसकी ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाती है, और वो ऑब्लिगेशंस किसके ऊपर आ जाती है? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर में आ जाती है। नाउ माय क्वेश्चन इज, आप सोच लेना अच्छी तरीके से, राइट? अब इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, इसके बच्चे रहेंगे या फिर कोई और लॉयर वगैरह रहेगा, तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना पैसा देना पड़ेगा? 5,000 रुपीज़ देना पड़ेगा कि 3,000 रुपीज़ देना पड़ेगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कैन यू गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स? कौन कौन है? आई गेस पल्लवी, खुशबू एंड चंचल आर देयर। सो कैन यू गिव मी द आंसर?
₹5,000 देना पड़ेगा कि 6,000, 5,000 देना पड़ेगा कि 3,000 देना पड़ेगा? एनी गैसेस? सो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. अगर आपका आंसर नहीं आया तो मैं खुद ही आंसर कर दूंगा, ठीक है? सो आई नीड टू गिव द आंसर राइट नाउ. कम ऑन गाइस, टाइप. क्या यार, आप टाइप नहीं करते यार, घबरा क्यों रहे हो दोस्तों? ओके, नो वेस. तो आप यहाँ पर ध्यान रखो दोस्तों, आपको जो है कितना देना पड़ेगा, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना देना पड़ेगा? 3,000 देना पड़ेगा. ओके, मेरे ख्याल से हो सकता है कोई स्टूडेंट 15 मिनट पहले वाली क्लास देख रहा हो, क्योंकि ये लाइव सेशन है तो वो भी पीछे जाकर देख सकता है. कोई एकदम हमारे साथ में चल रहा है तो ये अलग अलग चीज़ें हो सकती है, दैट्स वाई दे आर नॉट टाइपिंग. Therefore the answers are coming late. Okay, so fine. आप जब भी टाइप करोगे आप ध्यान रखना कि आंसर क्या था दोस्तों, 3,000, ठीक है? Now 3,000 जो है देना पड़ेगा, बिकॉज लॉ कहता है कि जितना प्रॉपर्टी इनहेरिएट हुआ है उतना ही पैसा देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? 5,000 देने का ज़रूरत नहीं है. ओके, इंसॉल्वेंसी. देखो इंसॉल्वेंसी में क्या होता है ना, जो इंसान इंसॉल्वेंट होता है ना, उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी रहती है वो उसके हक से चले जाती है. वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसके हाथ में आ जाएगी दोस्तों? वो पूरी प्रॉपर्टी आ जाएगी लिक्विडेटर के हाथ में. इट विल बी हैंडेड ओवर टू द लिक्विडेटर, एंड दिस लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय होम, बाय कोर्ट, ठीक है? अब वो जो इंसॉल्वेंट इंसान है वो अपनी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. ही कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? नाउ डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में हम जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी टुमारो एंड नॉट टुडे. तो इसके बारे में जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ने वाले हैं, आज नहीं पढ़ने वाले हैं. सो स्टिल आई कुड से दैट ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, राइट गाइस? जो आपने वादा किया था वादा तोड़ दिया, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें सजना वादा तोड़ दिया, राइट? ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्चुअल ब्रीच हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है. यानी कि 5 बजे जो है आप काम करने के लिए नहीं आए, ये अपॉइंटेड टाइम था, 5 बजे नहीं आए तो उसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल ब्रीच. लेकिन सुबह 5 बजे आप निकल गए कहीं पर घूमने के लिए और मुझे पता चल गया कि अब तो वापस तुम नहीं आ सकते, तो मुझे पहले से ही एडवांस में ही पता चल गया कि तुम काम नहीं करने वाले हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच. दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाती है. जब ऑब्लिगेशन खत्म हो जाती है तो आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है? अब जिसने ब्रीच किया है या फिर एंटीसिपेटरी ब्रीच किया है उसका तो ऑब्लिगेशन खत्म, लेकिन उसके अगेंस्ट में हम लोग कहाँ जा सकते हैं, वी कैन गो टू द कोर्ट, ठीक है? इफ वन पार्टी डिफॉल्ट इन परफॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ड्यू डेट, ही इज सेट टू कमिटेड द ब्रीच. जब पार्टी काम नहीं करती है तो उसको क्या कहा जाता है, ब्रीच कहा जाता है, ठीक है? और जब ब्रीच कहा जाता है तो ऐसे केस में, ठीक है, व्हेन ऑन द अदर हैंड अ पार्टी रेपुडिएट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द स्टेपुलेटेड टाइम फॉर हिज परफॉर्मेंस इज अराइव्ड, ही इज डीम्ड टू हैव कमिटेड द एंटीसिपेटेड ब्रीच. यानी कि पार्टी जो है, यू नो, टाइम जो अपॉइंटेड टाइम है उसके पहले ही जो है, उसके पहले ही मना कर देती है. रेपुडिएट का मतलब क्या होता है, मना कर देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी. या तो टाइम पर मना किया तो एक्चुअल, टाइम के पहले मना किया तो एडवांस ब्रीच, यानी कि एंटीसिपेटरी ब्रीच. एग्जाम में एडवांस ब्रीच मत लिखना, ठीक है? आप हमेशा क्या लिखोगे, आप उसको एंटीसिपेटरी ब्रीच लिखोगे. एंटीसिपेटरी मतलब पहले से ही एडवांस, यानी कि जिसका शक है, समझ में आया कि नहीं, जिसका शक है. ओके, इफ वन ऑफ द पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक्स द प्रॉमिस इंजर्ड ब्रेक द प्रॉमिस द अदर पार्टी इंजर्ड देयर बाय. जो अदर पार्टी है, यानी कि ए और बी है, तो ए ने जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो पार्टी कौन सी इंजर्ड हुई, बी वाली पार्टी इंजर्ड हुई, ठीक है? सो देखेंगे, हैज नॉट ओनली अ राइट ऑफ द एक्शन, तो बी क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, बिकॉज दैट विल हैव द डैमेजेस का राइट होगा, बट ऑल्सो डिस्चार्ज फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज पार्ट. तो इसका भी जो ऑब्लिगेशन है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. ही विल नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन, ही कैन गो टू द कोर्ट फॉर क्लेमिंग द डैमेजेस एंड अदर रेमेडीज. जो हम लोग पढ़ने वाले किस में, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में पढ़ने वाले, ठीक है? नाउ सेवन्थ के बाद में कुछ है क्या, नाइन्थ वाला भी है, ठीक है? सेवन्थ के बाद में नेक्स्ट वाला भी हम लोग पढ़ेंगे. सेवन देखते दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ठीक है? प्रॉमिसी मे वेवर और मर्जर. वेवर और रिमिशन मैंने आपको पढ़ाया था, इसका मतलब क्या होता है, माफ़ करना, ठीक है? वेवर और रिमिशन. ओके, तो इसमें क्या पढ़ना है, आप होली भी माफ़ कर सकते हो, पार्टली भी माफ़ कर सकते हो, पूरा पैसा भी माफ़ कर सकते हो. आपको लगता है नहीं 5 लाख में से 1 लाख रुपये माफ़ करना है या 4 लाख रुपये माफ़ करना है, तो आप उतना भी माफ़ कर सकते हो, राइट? सो एवरी प्रॉमिसी मेड डिस्पेंस, डिस्पेंस मतलब छोड़ देना,
रेमिट कर देना, ठीक है, होली ऑन इन पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस मेड टू हिम और एक्सटेंड द टाइम। पहला ठीक है, देखो 6 महीने के अंदर में पैसा देना है तो 6 महीने में मत दे, तो 12 महीने के अंदर में देना, ये भी किया जा सकता है इसके अंदर में, ठीक है। और मे एक्सेप्ट इंसेंट ऑफ एनी सेटिस्फेक्शन इफ यू थिंग्स फिट, ठीक है, या फिर उसकी जगह कुछ और ले सकता है। तो पैसे नहीं दे सकता है, अब चल ये अपनी टेबल दे दे, चल अपनी बाइक दे दे, चल अपना स्कूटर दे दे, चल अपनी कार दे, चल अपने स्कूल, समझ में आया कि नहीं। इस तरह से भी किया जा सकता है। सो ऑन दैट आप जो है ढिलाई बरत रहे हो किसी भी टाइप की, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमीशन वेवर सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रिमीशन वेवर बोल सकते हो, सेटिस्फेक्शन डिस्पेंसेशन बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। पर पॉपुलर वर्ड्स कौन से दोस्तों, पॉपुलर वर्ड्स कौन से, वेवर और कौन सा है दोस्तों, रिमीशन, ठीक है, रिमीशन। इन अदर वर्ड्स अ कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय रिमीशन, रिमीशन से क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। एक बार आपने पैसा माफ कर दिया ना, तो सामने वाला बंदा उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो गया दोस्तों, डिस्चार्ज हो गया। अब जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा तो बात खत्म, पैसा हजम, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल कौन सा दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल सा है, देखते क्या लिखा हुआ है। ए ओज बी, ओज का मतलब क्या होता है, बताया था मैंने आप लोगों को, इसका मतलब क्या होता है, वेन यू हैव टू पे समथिंग। तो जो पहले लिखा होगा उसको हम लोग बोलेंगे डेटर, जो बाद में लिखा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर, ठीक है। सी पेस बी 1 lakh rupees एंड बी एक्सेप्ट देम, ठीक है, इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम फॉर द वीक। अब यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, किसी और ने पे कर दिया, ठीक है भाई 5 lakh rupees देने हैं, 1 lakh में काम खत्म करो पूरा का पूरा। सो दिस पेमेंट इज अ डिस्चार्ज ऑफ द होल क्लेम, इसको जो है होल क्लेम के डिस्चार्ज माना जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो है पूरी तरह से समझा होगा। Now we'll move to the next part, and next part is a merger of the rights, and it's very simple part. ठीक है, इसके बाद में क्या है, कुछ नहीं, okay. So what is the merger of the rights? Let's see. ठीक है, आप बताओ दोस्तों, मैंने एक ग्लास पानी लिया और उसके अंदर में मैंने 1 teaspoon salt डाल दिया और उसको घोल दिया अच्छी तरीके से, right? अब मुझे बताइए दोस्तों, water दिखेगा कि salt दिखेगा? सर अगर देश का शुद्ध नमक टाटा नमक होगा तो सिर्फ पानी दिखेगा, राइट? तो इसका मतलब पानी और जो वाटर है वो दोनों क्या हो गए दोस्तों, मर्ज हो गए। क्या हो गए दोस्तों, मर्ज हो गए, राइट ना। उसी तरह से मान लो मैंने कोई घर किराए पर लिया है, ठीक है, 12 महीने का मैंने किराए का एग्रीमेंट किया है, 12 months के लिए मैं उसको हर महीने 10,000 rupees दूंगा, 10,000 rupees दूंगा। अब ना सपोज मैंने 3 महीने तक उसको रेंट दिया, 30,000 rupees दिए, ठीक है, अब कितने महीने बाकी है, और 9 महीने बाकी है। लेकिन मैंने उसके पास में गया, उसको मैं बोला घर कितने का है, वो बोलता है 1 crore का है, मैं बोला दे दो 1 crore का घर है तो आई विल बाय इट, और मैंने उसके 1 crore का घर खरीद लिया। नाउ आई बॉट दैट प्रॉपर्टी फॉर 1 crore, ठीक है। अब वो 4th महीने के एंड में मेरे पास में आता है, बोलता है भैया 10,000 rupees तो दो। मैं बोला कैसे, क्यों दो भैया 10,000 rupees, ये तो घर मेरा है, ठीक है। वो बोलता है नहीं 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 जो रेंट का एग्रीमेंट हो तो 12 महीने का है, जब तक 12 महीने कंप्लीट नहीं होते तब तक मैं हर बार रेंट लेने आऊँगा। मैं उसको बोलता हूँ रेंट वो लेता है जो घर का ओनर होता है। अब तक मेरे पास में कौन सा राइट था, ऐसा टीनेंट वाला राइट था, अब तक मैं सॉल्ट था, क्या था, सॉल्ट, ठीक है। और अब जो है मैं कौन बन गया हूँ, मैं ओनर बन गया हूँ, अभी मैं कौन बन गया, वाटर बन गया हूँ। तुमने ये सॉल्ट किस में मिक्स कर दिया है, वाटर में मिक्स कर दिया है। तुमने मेरे को पहले कौन सा राइट दिया था, तुमने मेरे को इन्फीरियर राइट दिया था, अब मेरे पास में मैंने कौन सा राइट खरीद लिया है दोस्तों, मैंने खरीद लिया है सुपीरियर राइट। तो जब मैंने सुपीरियर राइट खरीद लिया तो उसके अंदर के जितने भी इन्फीरियर राइट है वो क्या हो गए, मेरे हो गए। देयर इज अ मर्जर ऑफ द इन्फीरियर राइट विद द सुपीरियर राइट। सो वेन इन्फीरियर राइट गेट मर्ज विद अ सुपीरियर राइट, तो इट बिकम सुपीरियर राइट। जब आत्मा परमात्मा में नील हो जाती है तो क्या बन जाता है दोस्तों, सुपर परमात्मा बन जाता है, ठीक है। सो वेन यू जस्ट मर्ज द इन्फीरियर थिंग्स विद द सुपीरियर थिंग्स, इट एक्चुअली बिकम द सुपीरियर थिंग्स, ओके। सो समटाइम्स द इन्फीरियर राइट्स एंड द सुपीरियर राइट्स कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब टकराते हैं, एंड मीट इन वन, दोनों जो है एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, ठीक है। एंड द सेम पर्सन, वो क्या हो जाता है, सेम पर्सन हो जाता है। टीनेंटी क्या बन गया, ओनर बन गया। अब कोई थोड़ी ना रेंट देना है लेना है। इन दैट केसेस द इन्फीरियर राइट इट मर्ज विद द सुपीरियर राइट। ऑन मर्जर द इन्फीरियर राइट वैनिश, इन्फीरियर राइट वैनिश हो जाता है और उसको एनफोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपने किराए का अगर बेच दिया, भले ही आपने उसके लिए 10 साल का एग्रीमेंट किया हो, लेकिन अगर आप बेच देते हैं घर को तो उसके बाद में आपको उसका रेंट आना बंद हो जाएगा। यू विल नेवर गेट द रेंट अगेन वंस यू सोल्ड योर हाउस।
हाउस. ओके, एग्जाम्पल देखिए दोस्तों. सो ए टुक अ लैंड ऑन लीज फ्रॉम बी, बी से उसने लैंड ले लिया. सब्सिक्वेंटली ए परचेसेस द वेरी लैंड, पूरा लैंड उसने खरीद लिया. लीज का मतलब क्या होता है? लीज इज द अरेंजमेंट जहाँ पर आपको रेंटल्स देने पड़ते हैं. ठीक है, लीज भी दो टाइप के होते हैं, फाइनेंस लीज होता है या फिर वो एक रेंटल लीज होता है. तो इट कुड बी एनी टाइप ऑफ लीज. इसके अंदर में हो सकता है सिर्फ आपको किराया देना पड़े या फिर आप एक इंस्टॉलमेंट देते हो कि उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है जो टोटल उस लैंड का कॉस्ट है उसमें से थोड़ा पैसा भी आप दे रहे हो. ठीक है, ऐसा भी लीज हो सकता है. तो यहाँ पर तो लिखा नहीं है कौन सा लीज है, बट आई टेक इट कि भैया ये रेंटल वाला लीज है जहाँ पर हर महीने थोड़ा ना थोड़ा आपको किराया देना पड़ता है. ठीक है, सो ए ने वो पूरा का पूरा क्या कर लिया, परचेज कर लिया. अब जब परचेज किए थे तो ए बिकम्स द ओनर ऑफ द लैंड. ए क्या बन गया, लैंड का ओनर बन गया. ओनरशिप राइट्स डीम सुपीरियर टू द राइट्स ऑफ द लीजी, लीजी और लेसर. राइट, जो भी लीज लेता है ना, जो लीज लेता है ना दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लीजी. और जो लीज देता है ना, अपनी प्रॉपर्टी देता है, उसको क्या बोलते हैं, लेसर. अब लीजी ही क्या बन गया, लेजर बन गया. लीजी ही क्या बन गया दोस्तों, ओनर बन गया. तो सुपीरियर राइट कौन सा है, ओनरशिप इज अ सुपीरियर राइट. बीन लीजी इज अ इंफीरियर राइट. दोनों क्या हो गए दोस्तों, मर्ज हो गए. तो जो लीज का एग्रीमेंट था ना दोस्तों, लीज का एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा. चार्ज से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. अब हमको लीज रेंटल्स देने की जरूरत नहीं है. ये सॉल्ट है दोस्तों, वाटर में मिक्स हो जाएगा और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा. ओके, सो इन दैट वे वी हैव कवर्ड सो मेनी थिंग्स. और आज एक घंटा हो गया है, सो वी हैव टू टेक द गुड बाय बिकॉज अभी रिविजन पॉसिबल नहीं है, तो कल हम लोग कर लेंगे. सो डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के सभी चीज़ें पढ़ ली, नोवेशन, रिमिशन, वेवर, मर्जर भी कंप्लीट कर लिया. तो ये सभी चीज़ें जो है आपको एग्जाम में आ सकता है कि इसके ऊपर में शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए आप लोगों को, या फिर जो भी हमने केस स्टडी कवर किया तो उसमें से कोई केस स्टडी आ जाता है आपको. ठीक है, या फिर सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, जहाँ पर मैंने 5 स्टार किए थे, तो वो से पूछा जा सकता है आप लोगों को 5 नंबर के लिए. सो इन दैट वे जो है आपसे क्वेरीज की जा सकती है. ओके एवरीवन, सो आज हमने डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा एंड आई होप आप सब लोगों को जो है अच्छा लगा होगा. ये वापस से जो है 6-7 पॉइंट्स जो है मैं रिपीट करवा देता हूँ आप सब लोगों को, ताकि एक घंटे वाला क्राइटेरिया पूरा हो. सो नंबर वन, हमने एक चार्ट देखा दोस्तों. चार्ट के अंदर में हमने कितनी बातें देखी, वी कवर्ड द 3 थिंग्स, राइट, परफॉर्मेंस और ये वाला एक्चुअल परफॉर्मेंस. ये जो है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के साथ कवर हो गया. ठीक है, ये कौन सा था दोस्तों, एक्चुअल परफॉर्मेंस, और ये कौन सा था दोस्तों, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, राइट. उसके बाद नॉन परफॉर्मेंस, इसमें से ब्रीच, ये कल या परसों से शुरू होगा, मे बी ख्याल से परसों से शुरू होगा. यहाँ पर ये सब चीज़ें कवर कर ली हमने. नोवेशन यानी सब्सिट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, रिसेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. ओके, उसके बाद में अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब ओल्ड टर्म्स को हम सब्सिट्यूट करते हैं न्यू टर्म्स के साथ में. रिमिशन का मतलब होता है माफ करना. वेवर का भी मतलब क्या होता है, माफ करना. मर्जर हमने पढ़ा, सुपीरियर राइट को किसके साथ में मर्ज करना, इन्फीरियर राइट के साथ में मर्ज करना. एक्चुअल ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच का मतलब क्या होता है, 5 बजे का टाइम था, बंदा 5 बजे नहीं आया, उसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल ब्रीच. 5 बजे से पहले ही वो बंदा बोलता है मैं काम नहीं करूँगा, एंटीसिपेटरी ब्रीच, यानी कि एडवांस ब्रीच. ठीक है, उसके बाद में ऑपरेशन बाय डेथ. ठीक है, ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ हो गई, ऑब्लिगेशन खत्म हो गया, वो मरे हुए इंसान को काम करने की जरूरत नहीं है, उसके बच्चे कर सकते हैं काम, लेकिन उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना प्रॉपर्टी इनहेरिट किया गया है, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है. इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट में क्या होता है बोलो, इंसॉल्वेंट में जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है उसकी पूरी प्रॉपर्टी किसके पास आती है, लिक्विडेटर के पास में आती है, ऑफिशियल असाइनी के पास आती है, ऑफिशियल रिसीवर भी बोलते हैं उसको, राइट. तो उसका पूरा हक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ख़त्म हो जाता है. मर्जर अभी पढ़ा, इन्फीरियर राइट किसके साथ मर्ज होता है, सुपीरियर राइट के साथ में मर्ज हो जाता है, तो इन्फीरियर राइट खत्म हो जाता है. अब जो ये मटेरियल अल्टरेशन और लैप्स ऑफ द टाइम है ना, ये दोनों आपके मॉड्यूल में नहीं दिए गए हैं, सो आई एम नॉट कवरिंग इट. ठीक है, आई एम नॉट कवरिंग इट बिकॉज ये मॉड्यूल में नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है इसको कवर करने का. ठीक है, हाँ, लैप्स ऑफ टाइम, सॉरी, ये वाला कवर्ड नहीं है, ये अल्टरेशन कवर्ड नहीं है. जस्ट मिटा देता हूँ. ठीक है, ओके, पढ़ाई देते ना, क्या करना है. ठीक है, पढ़ाई देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना यार. ठीक है, ओके, सो लैप्स ऑफ द टाइम तो बताया कि रीजनेबल टाइम के अंदर में आपको कवर करना पड़ता है. ओके, तो ये वाली सभी चीज़ें आपके मॉड्यूल में कवर्ड है. क्या कवर्ड नहीं है, मटेरियल अल्ट्रेशन. अब होता क्या है, कई बार ना कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ना कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज क्या करती है ना, एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में इतने चेंजेस करवाती है,
मान लो लॉन बुक किया था, ठीक है, अब डेस्टिनेशन वेडिंग करवा रहे हैं, अब शहर की जगह जो है डेस्टिनेशन वेडिंग करवा रहे हैं, आपने कार्यक्रम रखा था 12 घंटे का, तो आप उसको जो है 48 घंटे करवा रहे हैं, यानी पूरा नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। अब नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पूरा चेंज हो गया तो एक्चुअली में नया कॉन्ट्रैक्ट ही आ गया ना, पुराना रहा कहाँ, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। राइटफुल डिसीजन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, इसमें क्या होता है, वन पार्टी इसलिए लिखा हुआ है कि हो सकता है कि अदर पार्टी अपना काम कर ही नहीं रही है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाता हूँ, ठीक है, अब मेरे को करवाना ही नहीं है काम, ऐसा किया जा सकता है, यस, क्योंकि अदर पार्टी इज नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली। और क्या लिखा हुआ है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में सेपरेट क्वेश्चन इस पर आ सकता है, सुपरवाइनिंग इम्पॉसिबिलिटी इलीगलिटी, यानी कि पहले वो चीज़ क्या थी दोस्तों, पॉसिबल थी या फिर क्या थी, लीगल थी, बाद में वो चीज़ क्या हो जाती है दोस्तों, इम्पॉसिबल हो जाती है या फिर क्या हो जाती है दोस्तों, इलीगल हो जाती है। सो द थिंग इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल या फिर लीगल का इलीगल, इसके बारे में सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। अब जो मॉड्यूल में जो 7-8 पॉइंट्स दिए हुए, वो नंबर 1 डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, नंबर 2 डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, इसके अंदर में पढ़ा हमने नोवेशन, रिसेशन, अल्ट्रेशन, रिमिशन वेवर, मर्जर, मर्जर को इन्होंने 2nd पॉइंट कर लिया है, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, ये 4 पॉइंट्स याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, सेक्शन नंबर 56 भी याद रखने का है, बाय अनफॉर्चुनेट चेंज इन द लॉ, बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, बाय नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन अकरेंस ऑफ सर्टन स्टेट ऑफ द थिंग्स, लाइक डॉक्टर, डॉक्टर इलाज करने से पहले क्या हो गया दोस्तों, सर्जरी करने से पहले खुद ही क्या हो गया दोस्तों, पैरालिसिस में आ गया तो इलाज नहीं कर सकता। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर, उसके केस में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। नंबर 4 इज अ डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। नंबर 5 इज डिस्चार्ज बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। नंबर 6 ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दो तरह के ब्रीच होते हैं, एक होता है एक्चुअल ब्रीच और सेकंड क्या होता है दोस्तों, एंटीसिपेटरी ब्रीच, राइट। उसके बाद वेवर और रिमिशन, ये पढ़ा दिया था वैसे, एंड लास्ट है दोस्तों मर्जर। तो विद दिस गाइस वी आर जस्ट एंडिंग अवर क्लासेस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द क्लास। To join an academy subscription and get the 10% off and bonuses from my side, like जो chart मैंने आपको दिखाया था, you need to all type the code PINKESH, आपको जो है app download करना है और उसमें जो है subscription खरीदने के लिए मेरा code इस्तेमाल करने का है PINKESH, simple। आपको कोई दूसरा question है तो you can have the YouTube comment and you need to subscribe our channel for the further updates and press the bell icon now। Okay everyone, bye bye, take care, love you all, Jai Hind।